assalamu alaikum uh, welcome to our second online lecture i hope you all are fine with the best state of your health uh, today is our exercise from uh, unit number 5 is 5.2 we are doing question number 2 first we have a question for x power 4 plus 81 we know that uh, 4 is a perfect square of 2 and 81 is a perfect square of 9 uh, here is a फोर एक्स फोर एक्स पावर फोर प्लस एटी वन बोथ आर द परफेक्ट स्क्वेयर्स बट फार्मूला कोई कंप्लीट नहीं हो रहा नेक्स्ट uh, हम क्या करेंगे सबसे पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट ऐसे टर्म्स को करेंगे कि जिससे हमारे पास फार्मूला थ्री कंप्लीट हो जाए या फिर फार्मूला टू की फॉर्मेशन हो जाए फर्स्ट या फार्मूला वन की ठीक है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे टू इंटू टू एक्स स्क्र इंटू नाइन को हम uh,

ओपन फॉर्म में है इसको क्लोज कर लेते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर में तो टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन होल स्क्वायर माइनस टू इंटू ये जो टर्म रह गया वो वो यहाँ ले लेंगे माइनस टू इंटू टू एक्स स्क्वायर इंटू नाइन हमें पता है कि ए और बी की जगह पर हमारे पास टू एक्स स्क्वायर और नाइन है यहाँ पर ये क्लोज़ हो चुके हैं अब यहाँ से टू uh, टू जार फोर फोर टू टू जार फोर फोर नाइन जार थर्टी सिक्स तो यहाँ से थर्टी सिक्स एक्स स्क्र बन गया हमें पता है कि थर्टी सिक्स हमारे पास किसका परफेक्ट स्क्वायर है सिक्स का सिक्स एक्स होल स्क्वायर ले लिया हमने यहाँ से यूजिंग फार्मूला कर सकते हैं दोनों पे स्क्वायर्स हैं ना ठीक है और यहाँ से हम डायरेक्ट फार्मूला ले सकते हैं ना कौन सा ए स्क्वायेर माइनस बी स्क्र विच इज़ इक्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हेयर ए इक्ल्स टू टू एक्सक्र प्लस नाइन एंड बी इक्ल्स टू सिक्स एक्स एकॉर्डिंग टू द फार्मूला इसको ओपन करते हैं टू एक्स स्क्र प्लस नाइन प्लस सिक्स एक्स और इंटू टू एक्स स्क्र प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में हमारे पास फोर टर्म्स है सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर में हमारा हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको को टू इंटू टू इंटू एक्स स्क्र इंटू वन को यहीं पर हमने अरेंजमेंट भी कर ली एक्स पावर फोर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर अब क्या ऐड कर रही हूँ टू इंटू टू एक्स स्क्वायर इंटू वन और सप्रेट क्या कर रही हूँ टू इंटू टू एक्स स्क्वायर इंटू वन अब यहाँ पर आपको पता है कि एक्स पावर फोर को हम स्प्लिट uh, कर सकते हैं ना एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर में प्लस वन होल स्क्वायर वन वी नो दैट स्क्वायर ऑफ वन इज़ इक्वल्स टू वन और uh, यहाँ पर टू इंटू टू एक्स इंटू वन यही से हमारे पास फार्मूला कौन सा कंप्लीट हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पे जो हमारे पास टर्म था एक्स स्क्र और माइनस टू एक्स स्क्र ना इसको हमने बाहर ब्रैकेट ब्रैकेट से बाहर कर लिया ठीक है इसको सॉल्व किया है तो हमें पता है ना कि जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है वन होता है ना तो वन माइनस टू इक्वल्स टू माइनस वन ठीक है और वेरिएबल कौन सा आ रहा है एक्स स्क्र इसको हमने इस फुल टर्म को हमने अकॉर्डिंग टू द फार्मूला क्लोज कर दिया और इसको हमने सॉल्व कर दिया है ठीक है अब यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है और यहाँ पे हमारे पास अगर किसी को समझ नहीं आ रही ना तो हेयर का स्टेप करें एक्ल्स टू एक्स स्क्र और बी इक्ल्स टू वन तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्लोज कर दिया अब मैं इस एक्स स्क्र को आ, कर सकती हूँ ना होल स्क्वेयरिंग में ऐसे ठीक है तो यही से हमारे पास फार्मूला थ्री बन रहा है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है इसको ओपन करें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए की जगह क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस बी की जगह क्या है एक्स यही पर ए माइनस बी तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स क्या करेंगे आ, इसको अरेंज फॉर्म में कर ले ठीक है तो एक्सक्वायेयर प्लस एक्स प्लस पहले जो वेरिएबल्स हैं उनको कर ले एक्स स्क्वायेयर प्लस एक्स प्लस वन और एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन अब यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कौन सा है क्वेश्चन नंबर फाइव कर रहे हैं उसमें भी आपके पास थ्री टर्म्स हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह उसका मेथड है ठीक है जो अभी हमने किया है एक्स पावर एट प्लस एक्स पावर फोर प्लस वन इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे हम स्क्वेयर इसकी स्क्वेयर स्क्वेयरिंग कर ले पहले ठीक है परफेक्ट ये है कि पहले स्क्वेयर पहले आप इसको अरेंज करें या फिर पहले इसकी स्क्वेयरिंग कर ले इट्स अप टू यू अब यहाँ से है एक्स पावर एट तो इसको मैं कर सकती हूँ एक्स पावर फोर ऑफ होल स्क्वेयर क्योंकि फोर टूज आर एट पावर्स मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास यही पावर आएगा ना प्लस वन अरेंज कर लिया है हमने एक्स पावर फोर यही आ, बाहर आ गया ठीक है बाहर नहीं बल्कि साइड पे अब यहाँ पर ऐड एंड सब्ट क्या करें टू, टू एक्स पावर फोर इंटू वन क्या करेंगे सबसे पहले ऐड करेंगे तो एक्स पावर फोर ऑफ़ होल स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर लेंगे प्लस एक्स पावर फोर एज एट होगा प्लस टू इंटू एक्स पावर फोर इंटू वन माइनस टू इंटू एक्स पावर फोर इंटू वन यहाँ से तो हमारे पास फार्मूला बन रहा है ठीक है हम अरेंज करेंगे तो ये जो x पावर फोर है और ये माइनस टू एक्स पावर फोर है इसको ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे ठीक है और ये जो बाकी टर्म्स है x पावर फोर ऑफ होल स्क्वायर वन का होल स्क्वायर और टू इंटू एक्स पावर फोर इंटू वन ये हम एक, एक ब्रैकेट में कर लेंगे तो यहाँ से फार्मूला कौन सा बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र प्लस टू ए बी का विच इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर अब यहाँ पर एक्स पावर फोर प्लस वन होल स्क्वायर हो जाएगा क्लोज कर लिया ना अकॉर्डिंग टू द फार्मूला अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो यहाँ पर हेयर का स्टेप करें हेयर ए इक्वल्स टू एक्स पावर फोर बी इक्वल्स टू वन सो यहाँ पर ए एक्स पावर फोर प्लस प्लस बी की जगह क्या गया वन ऑन होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखें यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है कोफिशन में वन है ना तो वन माइनस टू इक्ल्स टू वन ठीक है माइनस और साइन ऑफ द ग्रेटर टर्म लगेगा जो कि है टू एक्स पावर फोर तो माइनस का साइन आ जाएगा साथ में एक्स पावर फोर को हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर में ठीक है अब यही से हमारे पास अगेन uh, यूज़ हो रहा है कौन सा यूजिंग फार्मूला हम कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी हेयर एक्स पावर फोर प्लस वन इज़ ए एंड एक्स स्क्वायर इज़ बी सो एक्स पावर फोर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू x power 4 plus 1 minus एक्स स्क्र ठीक है तो एक्स पावर फोर प्लस वन प्लस एक्स स्क्र तो एज इट इज़ रहेगा ठीक है लेकिन यहाँ से देखिए यहाँ से हमारे पास एक्स एक्स पावर फोर प्लस वन है ठीक है वन तो हमें पता है वन का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है वन ही होता है और एक्स पावर फोर को मैं कर सकती हूँ एक्स स्क्र और फोल स्क्र में ठीक है और यहाँ से माइनस का साइन है ठीक है तो यहाँ पर है एक्स का स्क्र मैं इसको बाहर ले लेती हूँ कम्प्लीट स्क्र बन रहे ना अगेन कौन से ए स्क्र माइनस बी स्क्वायेयर का फार्मूला बन रहा है अगेन ठीक है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक्स पावर फोर प्लस वन ये वाला जो पोर्शन है ये as it is रहेगा। इसको एज इट इज नीचे लेके आना है और यहां इसको ओपन करते हैं तो एक्स स्क्सर प्लस एक्स स्क्स वन एक्स स्क्स वन प्लस एक्स और एक्स स्क्र प्लस वन माइनस एक्स ठीक है हम अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमने इसको ओपन कर लिया नेक्स्ट हमारे पास uh, इसको अरेंज कर लेते वेरिएबल्स पहले कर लेते कांस्टेंट बाद में तो एक्स पावर फोर प्लस एक्स स्क्र प्लस वन और यहाँ पर एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन और यहाँ पर एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ये जो साइंस है ना हमारे पास प्लस के और ये माइनस के ये फार्मूला से आ रहे हैं हमारे पास ठीक है आई uh, होप आप लोग को समझ आ चुका होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन में अभी हमारे पास तीन टर्म्स हैं फर्स्ट हम क्या करेंगे एड और सब्ट करेंगे क्वेश्चन हमारे पास uh, जो गिवन है वो थ्री टर्म्स का ही है जो प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हैं ठीक है ऐड और सबट्रैक्ट क्या कर रहे हैं टू इंटू नाइन एक्स स्क्र डिवाइड बाई वन बाई नाइन एक्स स्क्र ठीक है सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर जो हमारे पास टर्म्स हैं एटी वन एक्स पावर फोर प्लस वन बाई एटी वन एक्स पावर फोर माइनस फोरटीन ये जो गिवन क्वेश्चन है हमें ठीक है इसके साथ हम ऐड भी करें और सब्ट भी करें किस को टू इंटू नाइन डिवाइड बाई वन बाई नाइन एक्स स्क्र को अब आ, एटी वन हमें पता है कि किसका स्क्वायर है नाइन का ठीक है एक्स पावर फोर है तो एक्स स्क्वेयर और फोर स्क्र में इसको लिख ले पल प्लस हमारे पास वन डिवाइड बाई नाइन एक्स स्क्र है इसको भी हम होल स्क्वायर में कर लेंगे प्लस टू इंटू नाइन एक्स स्क्र इंटू वन बाई नाइन एक्स स्क्र इसको एक ब्रैकेट में कर लें ठीक है अरेंज करें अब और माइनस फोर्टीन और ये जो फुल टर्म है हमारे पास ठीक है माइनस टू इंटू नाइन एक्स स्क्र डिवाइड बाई वन बाई नाइन एक्स स्क्वायेयर इसको ब्रैकेट um, से बाहर यहाँ से तो हमारे पास फार्मूला बन गया है फार्मूला टू ठीक है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला इसको क्लोज करें ए प्लस बी होल स्क्वायर है तो नाइन एक्स स्क्र प्लस वन बाय नाइन एक्स स्क्र माइन यहाँ से हमारे पास नाइन एक्स स्क्र और नाइन एक्स स्क्र की कैंसिलेशन पॉसिबल है ना ठीक है बीच में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशनशिप है तो कैंसिलेशन पॉसिबल इसको कैंसिल करें यहाँ से क्या रह गया आपके पास माइनस टू जस्ट तो माइनस फोर्टी माइनस टू इक्वल्स टू माइनस सिक्सटीन बिकॉज माइनस माइनस प्लस सो वैल्यूज़ को प्लस कीजिए और साइन आपके पास क्या होगा माइनस का होगा यहाँ से सिक्सटीन हमें पता है कि किसका का स्क्वायर है फोर का स्क्वायर है हमारे पास तो यहाँ पर अगेन uh, हमारे पास फार्मूला थ्री बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अब इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला ओपन करते हैं नाइन एक्स स्क्र प्लस वन बाई नाइन एक्स स्क्र दिस इज ए ठीक है और जो हमारे पास प्लस uh, का साइन लगेगा बी की जगह क्या आएगा फोर नेक्स्ट ए की जगह नाइन एक्स स्क्र प्लस वन बाई नाइन एक्स स्क्र माइनस फोर सो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर टेन उसमें भी हमारे पास थ्री टर्म्स ही हैं ठीक है फोर एक्स पावर फाइव इंटू नाइन प्लस इलेवन एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस नाइन एक्स वाई पावर फाइव इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे एक्स को एक्स वाई को कॉमन लेंगे यहाँ से हमारे हमने जब एक्स वाई को कॉमन ले लिया इसमें से तो एक्स पावर फोर फोर एक्स पावर फोर रह गया प्लस इलेवन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस नाइन वाई पावर फोर रह गया अब एड और सेप्ट्रेट का पोर्शन आता है तो इसमें हम क्या करेंगे एड और सेप्ट टू इंटू टू एक्स स्क्र इंटू थ्री वाई स्क्वेयर ठीक है इसको हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ये जो एक्स वाई है ये इस तमाम स्टेप्स में हमारे साथ रहेगा क्योंकि ये हमने एज अ होल कॉमन लिया इससे अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे जैसे बाकी प्रीवियस क्वेश्चंस में किया अरेंजमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू तो द फार्मूला फार्मूला फॉर्मेशन करेंगे तो टू एक्स इसको अकॉर्डिंग टू तो द फार्मूला इसकी स्क्वेयरिंग करें सबसे पहले टू एक्स स्क्र ऑफ फोर स्क्वेयेर प्लस यहाँ पर आपके पास जो नाइन पावर फोर है इसकी स्क्वेयरिंग करें तो थ्री वाई स्क्वेयर और फोर स्क्वेयर प्लस टू हमारे पास ये क्या है टू इंटू टू एक्स स्क्र टू एक्स स्क्र इंटू थ्री वाई स्क्र इसको आप एक ब्रैकेट में कर लें क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फार्मूला इसको हम क्लोज करेंगे और जो हमारे पास इलेवन एक्स स्क्र वाई स्क्र है और ये जो माइनस टू इंटू टू एक्स स्क्र थ्री वाई स्क्र इसको ब्रैकेट से बाहर करें उसको हम सॉल्व करेंगे ठीक है इसको अकॉर्डिंग टू द फार्मूला बंद किया तो यहाँ पर ए की जगह क्या है आपके पास टू एक्स स्क्र प्लस बी की जगह क्या है आपके पास थ्री वाई स्क्र है ठीक है प्लस हमारे पास यहाँ पर इलेवन एक्स स्क्र वाई स्क्र है वी नो दैट टू 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 जर फोर एंड फोर थ्री जार ट्वेल्व ट्वेल्व एक्स स्क्र वाई स्क्र अब प्लस माइनस माइनस वैल्यूज़ को माइनस कीजिए सो कोफिशंट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे तो एलेवन माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू वन एक्स स्क्र वन लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर लिखते हैं तो ठीक है अब यहाँ से हमारे पास uh, हम एक्स स्क्र ऑफ़ होल एक्सक्वायर इन टू वाई स्क्वायेयर है तो इसको हम कर सकते हैं ना एक्स वाई होल स्क्वायर में ठीक है अब यहाँ से यूजिंग फार्मूला की हेडिंग दे फार्मूला थ्री बन रहा है ये जो एक्स वाई है ना ये पूरे क्वेश्चन में हमारे पास एज इट इज़ रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्र इसी क्वेश्चन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसको अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ओपन कीजिए टू एक्स स्क्र प्लस थ्री वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई इंटू टू एक्स स्क्र प्लस थ्री वाई स्क्र प्लस एक्स वाई इसको अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हमने ओपन कर दिया आई होप आप लोग को समझ आ चुकी होगी थैंक यू